रीजनल ब्लड सेंटर भावलपुर की जानिब से खून के जमा करने के लिए भावलपुर के निजी तालीमी इदारे में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। नौजवान तलबा बढ़ चढ़ कर इंसानियत के फलाह के लिए खून की अतायत दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अतरलाशारी से। जी अतरलाशारी बताइएगा। अजी रीजनल ब्लड सेंटर भावलपुर की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है भावलपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी में, जहां पर जो तलबा हैं वो अपने ब्लड के जो अतियात हैं वो डोनेट कर रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा कितना जरूरी है ये इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। देखिए ये बहुत ही जरूरी है, इससे हमारी अवेयरनेस पैदा होती है। कल का जो हमारा सेमिनार हुआ उससे काफी बच्चों में अवेयरनेस हुई है, पहले इस चीज़ का हमें इल्म नहीं था, अब उसके बाद जाके काफी हमें इल्म है और काफी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा जी आप बताइएगा कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, ये एक सदका जारी है और हम लोग दूसरों के काम आ जाए तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है, और ये ह्यूमन बींग होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों की मदद करें। ह्यूमन बींग होने के नाते फर्ज बनता है। जाहिद काजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो मार्केटिंग टीम के हेड हैं यहाँ पर जो RBC भावलपुर के, बताइएगा कि कितना जरूरी है लोगों का इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और आपको कितना ब्लड जरूरत होता है। देखिए हमें डेली बेसिस के ऊपर 100 तकरीबन 50 बोतलों की जरूरत होती है जो हम एक्सचेंज बेसिस पर भी दे रहे होते हैं, और 50 से 60 ऐसे लोग होते हैं थैलेसीमिया के जिन्हें विदाउट डोनर हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये एक्टिविटीज इंशाअल्लाहुल्अज़ीज इन फ्यूचर भी ये कंटिन्यू रहेंगी, और इन बच्चों के जज्बों से ये जाहिर हो रहा है कि ये एक्टिविटीज इंशाअल्लाह हम हर इदारे के अंदर ये जारी रखेंगे। तो ये ब्लड कैंप लोगों के काम आ रहे हैं, गरीब लोगों के काम आ रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा मुस्तफीद हो रहा है, और कोई भी ऐसा 2017 के बाद एक सिंगल भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हमें खून ना मिलने की वजह से कोई अमवात की खबर मिली हो। खून ना मिलने की वजह से, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इंसानियत के लिए, भलाई के लिए, गरीब लोगों के लिए, मरीजों के लिए जो है खून के अतियात देना इंतहाई जरूरी है, ताकि थैलेसीमिया का शिकार जो बच्चे हैं और जो इमरजेंसी के मरीज हैं उनके लिए ये खून के अतियात काम आ सकें।